हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेस्ट मटेरियल की जो स्क्रैप बुक है आर्ट एंड क्राफ्ट की, आज हम उसके बारे में करेंगे कि हमने ये किस टाइप से हम बना सकते हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की देखिए, हमारे पास वेस्ट मटेरियल की जो स्क्रैप बुक है, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा यहाँ पर हमारे पास फ्रंट पेज आ जाएगा। इस टाइप से हम ये बना सकते हैं। यहाँ पर हम इस टाइप से लिख के और यहाँ हम जो है स्टोन्स लगा सकते हैं, और ये फ्लावर से हम इस टाइप से शेप कटिंग करके वो हम लगा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज आ जाएगा। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा। तो ये देखिए, इंडेक्स हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितने आइटम जिसमें बनी है वो आ जाएगा। इंडेक्स में हमने जो अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई है वो इस टाइप से आ जाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल तरीके से हमारे पास ये वेस्ट मटेरियल का जो है इंडेक्स बना हुआ है। इस टाइप से हम ये इंडेक्स बना सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स, इस टाइप से बनाया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर्ट विद आइसक्रीम स्टिक्स। हम यहाँ आर्ट आइसक्रीम स्टिक से बना सकते हैं। हमारी जो है पहली वीडियोस में हमने आइसक्रीम स्टिक से और क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं वो भी आपके पास शेयर की हुई है। और एक ये देखिए, हम इस टाइप से फ्लैग भी बना सकते हैं आइसक्रीम स्टिक से। ये देखिए आर्ट है, ये आइसक्रीम स्टिक से इस टाइप से बना हुआ है, ये हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉटन है, आर्ट विद कॉटन एंड बटन्स। तो यहाँ हम पहले तो जो है इस टाइप से हम शेप बना लेंगे जो भी हमें बनाना है। और ये देखिए हमने क्लाउड की शेप बनाई है। जो हमारी पहली जो वीडियोस हैं हमने उसमें जो कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो अभी देखना हमारे पास नेक्स्ट आएगा, ये क्लाउड आया है, तो इस टाइप से भी हम बना सकते हैं कॉटन से क्लाउड। सो यहाँ ये देखिए आर्ट विद कॉटन एंड बटन्स, और यहाँ हम साइडों में बटन से कर सकते हैं डिज़ाइनिंग। और ये देखिए हमने सन भी बनाया हुआ, इस टाइप से हम बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आर्ट विद ग्लेज पेपर, और ये देखिए ग्लेज पेपर हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। और ये देखिए हमने ग्लेज पेपर से फिश बनाई हुई, इस टाइप से भी फिश बना सकते हैं। सो और साथ में यहाँ पर हमारे पास जो है इस टाइप की है, जो ग्लिटरी फिशेस की जो शेप ऑलरेडी मिलती है मार्केट से, हमने लगा के यहाँ इस टाइप से स्मॉल स्मॉल फिशेस लगाई हुई है। और ये वेस्ट में हमने छोटे छोटे पीसेस कट किए हुए हैं ग्लेज पेपर के, और वो इस पर इस टाइप से कलरफुल ये हमने ऐसे पेस्ट किया हुआ है। ग्लेज पेपर का इस टाइप से यूज़ करना है। ये देखिए आर्ट विद ग्लेज पेपर, इस टाइप से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर्ट विद थ्रेड। अभी थ्रेड का देखो हम किस टाइप से वूल का यूज़ कर सकते हैं। ये भी है हमारे पास, हमने यहाँ स्वास्तिक बनाया हुआ, इस टाइप से हम ये स्वास्तिक बना सकते हैं आर्ट विद थ्रेड। सो ये देखिए पहले अब हम इससे जरूरी नहीं है कि स्वास्तिक ही बना सकते हैं, और भी हम डिफरेंट टाइप की शेप्स भी ले सकते हैं। सो ये देखिए इस टाइप से हम ये थ्रेड से जो है वो स्वास्तिक बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर्ट विद बिंदी। बिंदी से जो है वो आर्ट किस टाइप से बना सकते हैं वो हमने साथ साथ ये भी देखा है। सो ये देखिए ये बिंदियां हैं, इस टाइप से पहले हमने स्टार की शेप देनी है, और ये साइडों में जो है वो एजिस पे हमने बिंदियां लगा देनी है कलरफुल, और बीच में हमने यह जो ग्लिटर जो है हमारे पास ग्लिटर ग्लू आता है वो इस टाइप से हम यहाँ पर इस टाइप से इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी स्टार की शेप बनी हुई है, ये आर्ट विद बिंदी, यहाँ स्टार की शेप बनी हुई है। तो आप कोई और शेप भी बना सकते हैं, ये आर्ट विद बिंदीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर्ट विद मिरर एंड स्टोन्स। ये जो आर्ट है हमारा, ये देखिए स्टोन और मिरर से मिलकर बना हुआ है, इस टाइप से हम ये बना सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है इस टाइप से। ये देखिए ये आ गया हमारे पास बटरफ्लाई शेप बनाई हुई है हमने यहाँ पर, पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया हमने, उसके बाद है हमने यहाँ पर ये ग्लू से पेस्ट किया हुआ है, और साइडों में हमने स्टोन वगैरह से इससे डेकोरेशन की हुई है। सो ये देखिए बटरफ्लाई कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, इस टाइप से भी बना सकते हैं आर्ट हम। एक आर्ट हम इस टाइप से भी मिरर से भी बनाया हुआ हमने जो है पहली वीडियोस जो हमारी हैं उनमें भी हमने जो है इस टाइप से मिरर से क्या क्या डिज़ाइनिंग है वो हमारे जो दूसरी वीडियोस में भी होंगी वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर्ट विद पेंसिल शेविंग एंड मैथ स्ट्रिक्स। तो पेंसिल शेविंग से ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइनिंग बना हुआ है, यहाँ पर हमने फ्लावर पॉट बनाया हुआ है, इस टाइप से हम ये बना सकते हैं। सो ये हमारा मैथ स्टिक्स है, और यह साइडों में पेंसिल को शेप करके वो हम शेव करके
वो हमने यहाँ पर इस टाइप से उसको राउंड शेप दी हुई है। तो ये देखिए इस टाइप से फ्लावर शेप भी बन जाएगी हमारी, और इसकी भी हमने जो है हमारे दूसरी वीडियोस में आपको मिल जाएगी कि पेंसिल शेविंग से और क्या क्या डिज़ाइनिंग बन सकती है। सो एक ये आ जाएगा इस टाइप से हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा आर्ट विद पल्सेस, यानी जो हम दालों का किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं पल्सेस से। सो एक ये आ जाएगा। ये देखिए साइडों में हमने कैंडल की शेप बनाई, दिया की शेप बनाई है, साइडों में हमने जो है बिंदिया लगाई हुई है और इस टाइप से हमने दाल ली हुई है। और ये देखिए एक तो ये दालें हैं, तीन तरह की दालें ली हुई हैं। इस टाइप से हम डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। इसमें साइडों में स्टोन भी बने हुए हैं। सो ये देखिए कितना प्यारा दिया बना हुआ है। इस टाइप से हम आर्ट में पल्सेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारी पिछली वीडियो में जो हमारी दूसरी वीडियोस हैं उसमें भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हुई है, वो भी आप अपनी देख सकते हो वहाँ दूसरी वीडियोस में। सो थैंक यू, बाय बाय।